ये लड़की जैसे ही पढ़ने बैठती है उसके पिता नाराज होकर इससे डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई, मगर जिंदगी भर सताने के लिए मेरे पास छोड़ गई। यह सुनकर लड़की रोने लगती है। तभी पिता का शराबी दोस्त दारू लेकर आ जाता है। इसके बाद बेटी घर के बाहर चली जाती है। अब ये दोनों घर में बैठ कर पी रहे थे। इधर बेटी अपने घर से काफी दूर आकर अपनी छुपाई हुई पेंसिल को निकाल कर वहीं पढ़ने लगती है। शाम होने पर जब वो घर वापस आ रही थी तो देखती है कि उसके पिता का शराबी दोस्त रास्ते में नशे की हालत में पड़ा था। अब घर में खाली पिता थे। तभी एक पड़ोसी आता है और कहता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और केक बांटने के लिए रद्दी पेपर चाहिए। इस पर पिता अपनी बेटी की कॉपी किताब इन्हें दे देता है। इसके बाद किताब के पन्ने फाड़ फाड़ कर उसमें खाने की चीज रखकर ये बच्चों को बांटते हैं। अंत में जब लड़की आती है तो अपनी किताब के पन्नों को पहचान लेती है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े इन पन्नों को बिन कर अपने घर लाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता देख के पिता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।